हेलो गाइज, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइज, ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं जा रहा हूँ महादेव के मंदिर कांतेश्वर मंदिर में। तो आज ये मंदिर जाते हुए मेरे को रास्ते में ढेर सारे पत्थर और रोड पेड़ पौधे। तो गाइज, ये उखड़ वाले रास्ते में मेरे बेटी मेरा ब्लॉग बनाते हुए और मैं स्कूटर को जबरदस्ती खींच रहा हूँ, तो स्कूटर मना कर रहे मुझे नहीं चढ़ना इस रास्ते में, लेकिन फिर भी स्कूटर को धकेलते हुए लेके आ रहा हूँ गाइज, क्योंकि मुझे जाना है महादेव के मंदिर में। तो हम लोग जंगल में पहुंच रहे हैं गाइज। तो ये देखो कैसे चल रही है हमारे स्कूटर। तो हम लोग आगे आगे निकल रहे हैं गाइज। ये रास्ता आगे तक का ही है, फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा ऊपर ट्रैकिंग करते हुए। तो गाइज, आगे ऊपर दिखाता हूँ आगे क्या होता है और कैसे जाता हूँ। हेलो गाइज, हम लोग पहुँच गए आधे जंगल में। किट्टू गाड़ी से उतर के मेरे साथ आ रही है। देखो जंगल कैसे है। हम लोग अभी जंगल के रास्ते जा रहे हैं। मंदिर का गेट है ये और यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करी है। ये किट्टू है और ये कह रही है कि पानी कहाँ से आता है। अब मेरे को तो पता नहीं पानी कहाँ से आता है, ऊपर जंगल है, यहाँ पानी का टैंक है, बिल्कुल नेचुरल वाटर है ये। आ जाओ। जब मैं पहुंच गया ऊपर रास्ते में और मुझे रास्ते में चलते चलते बड़े बड़े पेड़ और खड़े खड़े रास्ते दिख रहे हैं, और एक पेड़ ऐसा दिखा जहाँ इसके नीचे बड़ा बड़ा छेद था और छेद के अंदर भी एक और छेद था, फिर उधर से आगे घुसने का रास्ता भी था गाइज। और फिर ऊपर जाते जाते बड़े बड़े पेड़ दिखे मुझे और मैं देख देख के हैरान हो गया कि भाई ऐसे पेड़ कैसे हैं, ऐसा रास्ता कैसा है। जाते जाते टॉप में पहुँच गया। जंगल, बहुत बड़ा जंगल। चलते चलते कट गए रास्ते, वही जंगल, बड़ा जंगल। तो गाइज, मैं मंदिर में पहुंचने वाला हूं, क्योंकि मुझे मंदिर से कुछ आवाज़ नीचे की ओर आ रही है। अभी मैं आपको मंदिर दिखाता हूं। मैं थोड़ी देर में मंदिर में पहुंचने वाला हूं गाइज, इसके लिए थोड़ा और धीरे धीरे और जल्दी जल्दी भी चल रहा हूं। तो गाइज, मंदिर में बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए बैठे हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं। कोई भक्त लोग को पानी पिला रहे हैं, कोई चाय पिला रहे हैं। गाइज, यहाँ आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आगे से आप लोग को वही कोई दूसरा ब्लॉग दिखाऊंगा गाइज। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।